दोस्तों तो मेरे अब भी ठीक होंगे, हम भी ठीक है, हमारे यहाँ रहने वाले परिंदे भी ठीक है। दोस्तों आज हम आए थे बाहर, तो बाहर हमारी बकरी के पास आए थे, तो यहाँ पे मैंने फूल लगे हुए थे, मैंने बोला चलो फूल अपने कानों में लगा के वीडियो बना लेता हूँ। दोस्तों ये फूल एक हमारे वीडियो के सब्सक्राइब के देखने के लिए, ये आपके लिए फूल है। हाँ कतरीना। दोस्तों अभी जल्दी से हमारी बकरी के पास चलते हैं, उसके हाल चाल पूछते हैं और उसको भी ये फूल लगाते हैं। चलो तुम्हें तो कतरीना बहुत ही पसंद है ना। हाँ दोस्तों अभी 20 करोड़ का मैं हार लेके आया और मैंने 40 करोड़ का पहना हुआ, अब इसको मैं पहनाता हूँ। दोस्तों देखे हमारी बकरी का पूरा 20 करोड़ का हार बकरी का आ गई। खाना नहीं है। अरे यार दोस्तों सागर ने हार पहना हुआ है, इसके साथ शादी कर रहे हो क्या? नहीं मैं इसको नहीं पहनूंगा, तुम इसको तो अबा। दोस्तों जो है सागर ने इसके साथ शादी की, सागर को अगर तो धोखा मिल गया। और वैसे हमारी बकरी बहुत ही ज्यादा प्यारी है, उसको हार पहना है तो इसने सारा हार खा गई। ओए ओए क्या हो रहा है इसको पता नहीं। ओहो बड़ा डेंजरस है यार, इसको जंप दे दी ऊपर यार, इसको अगर हमने खोला ना तो इसने हमारे ऊपर जंप देगी, हमारे को ही गिरा देना है। इससे अच्छा तो इससे दूर ही रहो। और तो अगर यार हमारा जो भाई डॉगी चलते थे वो काफी दिनों से नहीं दिखाई, चलो उसको दिखाते हैं। उसने दोस्तों बिल्ली ने मारा पंजा और मामा हो गया गंजा भाई। बिल्ली ने मारा पंजा और मामा गंजा। मामा गंजा कैसे हाल है? ओ भाई एक ही पंजा लगा सारा गंजा हो गया। अरे क्या हो गया भाई, सागर ने इसके ऊपर पद मार दी। दोस्तों सागर ने इसके ऊपर पद मार दी और सागर ने बोला ये वाइट हो जाएगा, रियल में वाइट हो गया। यार भाई इतने वाइट कैसे हुए, किसने पद मारी तुम्हारे ऊपर? दूसरी मार दी। दोस्तों हमारे डॉग को मैं तीसरी पद मारने जा रहा था पर वो भाग गया। दोस्तों अभी चलते हैं हमारे घर के अंदर, हमारे सेटअप पे। ओ भाई दोस्तों अभी हम हमारे सेटअप पे आ गए हैं। पहले तो हमारे डॉक्टर का ये सीट साफ करते, देखो इन्होंने दाना पूरा गाया कर दिया, कोई खाया नहीं है। हम हमारे जो मिठू है इन्हों का दाना जो होगा ना वो हमारे कबूतरों को दे देंगे। ओ टकलिया तुम्हें लग गया पंजा? नहीं नहीं इसको पंजा वंजा कुछ भी नहीं लगा, पर उन लोगों का सबको पंजा लग गया है। देखो सब के सब गंजे हो गए। दाना देखो कितना कम है, अभी तक किसी ने रखा भी नहीं है। चलो चलो जल्दी से पानी भी निकालो, पानी की भी हालत बहुत ज्यादा गंदी होगी। और यार ये देखो इसकी पानी की भी हालत बहुत ज्यादा गंदी है। और यार चेक करते हैं ना कि बेबी आए कि नहीं। हाँ चलो चेक करो चलो, मुझे तो नहीं लगता इनकी बेबी आए क्योंकि काफी दिनों से बाहर ही है, अंदर गए नहीं है। आए बेबी? अंडे ही नहीं दिए तो अंडे ही नहीं है, कहाँ से बेबी आएंगे यार? ये क्यों इसने अभी ये ब्रीडिंग नहीं की? मुझे लगता है यार गर्मी आ गई, सीजन खत्म हो गया इनोगा। अच्छा यार अभी जल्दी से इसकी ये जो ना शीट वाश कर लो, और ये जो बचा हुआ जो है दाना ये हमारे मुर्गों को दे देते हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी सारा उठा लो चलो। हाँ यार पोटियाँ तो होंगी ना, उन्होंने पोटी की होंगी तभी तो इन कंपनी वालों ने शीट लगाई है। जल्दी से हमारे कॉकटेल का ये शीट साफ कर लेते हैं। अच्छी अच्छी तरह साफ करना भाई, देखो इसमें से रंग भी लगा हुआ है, रंग भी सही तरीके से साफ कर देना। तो देखो ये शीट तो मुझे लोहे की नहीं लग रही, किसी और चीज की लग रही है। अच्छा लोहे की है फिर। अच्छा ये पोटियाँ वोटियाँ न करते हैं ना, इसीलिए इसको रंग नहीं लग रहा ना। ये क्या है? अरे भाई रंग लग गया है। अच्छा अच्छा दोस्तों अभी जल्दी से शीट को साफ कर लेते हैं, कितनी ज्यादा गंदी हो गई है, पोटियों में बहुत ज्यादा हो गई है, बदबू आ रही है। दोस्तों अभी ये दोनों बास्केट भी मैं दाना पानी वाली साफ कर ली और शीट भी अच्छी तरह से सुखा ली है। और ये सूख गया और हम मिट्टू का भी निकाल के आते हैं दाना पानी, उनको भी नया दाना पानी देते हैं। दोस्तों हमारे कॉकटेल बहुत इन लोग भूख लग रही है, दाने भूल रहे दाना पानी ढूंढ रहे, इनको भी अब देते हैं। और हमारे लोग मिट्टू ने इन लोग पूरा किट कितना ज़्यादा गंदा हो गया। हमारे अबू से हमने पूछा था पर अबू ने बोला शाम के टाइम करना, अभी ये बहुत ही ज़्यादा तंग होंगे, शाम के टाइम ना मटके होंगे तो भूल जाता है, फिर ये तंग नहीं होंगे। फिलहाल तो इन्होंने दाना तो पानी नया दे देते हैं आराम से निकालना। ओ क्या हुआ दोस्तों, ये हमारे को दावा, ये हमारे को दावे देने आ गया कि हमारे घर को हाथ नहीं लगाओ, तो कितना ज़्यादा डेंजरस है भाई। आराम से निकालना है फिर ना, ये हमारे जो मिठू हैं बाहर आ जाएं।
देखो मिठू जो है, मिठू का मेल जो है वो सामने सामने बैठा है, वो भाई नीचे आ गया। चलो चलो जल्दी बंद करो, दाने को भी निकालो। हाँ बंद कर दो, बस बंद बंद जल्दी बंद कर दो, वरना हमारे मिठू को सबके पर आ गए, ये ना उड़ते रहते हैं यार, वो उसके आते ही नहीं, पता नहीं क्या यार। ये तो मेरे सामने अभी उधर से उड़ के इधर बैठा है यार, इतने पर हैं पर यहाँ से उड़ उड़ के यहाँ आ जाएगा, पर ये उड़ नहीं पाता ज्यादा। अच्छा हाँ। ये पता नहीं क्यों, अभी देखो इसका दाना भी बहुत ज्यादा गंदी जो है पोटियां लगी हुई है, तो इसमें पोटियां साफ करके हमारे ये दाना हमारे कबूतरों को देते हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी से इसको बोटियाँ वोटियाँ निकाल लो यार, यहाँ पर तो नहीं। पहले तुम जाओ ये जो है पानी नया फ्रेश लेके आओ, और सब तब तक मैं ये सारा पानी जो है दाना वाना सब साफ कर देता हूँ। दाना अभी पहले दोस्तों सागर पानी रख रहा है, और हाँ पानी इधर रखो, और मैं दाना इधर रख देता हूँ ताकि जो है ना हमारे को खिला के खा लें। ये जो पत्थर वाला नमक भी यार इसके अंदर रख देना, ताकि ये जो है ना दोबारा से ब्रीडिंग कर पाए। तो अभी मैं इसको रख देता हूँ, ये गेट खोलता हूँ, और ये मैंने रख दिया। अभी जो है हमारे कॉकटेल वगैरह नीचे आएंगे, खाना वाना खा लेंगे। हाँ ये हमारे मिठू को दे दो दोस्तों, देखें हमारे मिठू को फ्रेश पानी आ चुका है, अब जल्दी से रख दो यार। डाल का ना हमारे मिठू भी देख जो है ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ये हमारे को दावे भी वगैरह देता है, बोलता है हमारे गेज को हाथ मत लगाओ। कौन सा वाला है? ओ भाई ये वाला है ना। चलो ये वाला पानी भी अंदर रखो, चलो जल्दी से आराम से रखना है ताकि बाहर ना गिरे। ओ आराम आराम से, बिल्कुल आराम से। और सो अभी मैं थोड़ा सा मिठू को भी आपको दिखा देता हूँ। मिठू भाई उड़ना नहीं, मैं मिठू तो दोस्तों बोल ही नहीं रहा। ये वाला मिठू देखते हैं, मिठू बोलो मिठू। वैसे हमारे ऊपर इतना गुस्सा करते हैं, अभी बोल ही नहीं रहा। हाँ वैसे तो बोलता रहता है ऐसे, अभी क्यों नहीं बोल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, बोल ही नहीं रहा। हाँ अभी दावे जवाब दे रहा है। दोस्तों हमारे कबूतरों को हमने पानी भी वाश, पानी वाले बर्तन भी वाश कर लिए, अभी इनको नया पानी और दाना देते हैं। दोस्तों हमारे कबूतर तो बहुत ही ज्यादा वेट कर रहा था हमारा, और दाना तो खत्म हो गया, बहुत ही ज्यादा कम दाना है। देखो ये दोस्तों हमारे कबूतर भी हमारे से नहीं डरते, देखो हमारे सामने सामने आके खा रहे हैं यार। अभी जल्दी जाओ, जल्दी से दाना लेके आ जाओ, हमें दाना और नया लेके आओ, दाना लेके और इनको पानी भी लेके आओ ना यार। अब देखो सामने सामने खा रहे हैं, डरते भी नहीं है बिल्कुल, दादा बिल्कुल भी नहीं डरते, सामने सामने खा रहे हैं यार, कितने प्यारे लग रहे हैं देखो ना। अभी थोड़ा पानी दाना है ना सही से बिछा देता हूँ, ताकि जो है ना अभी सही से खा पाए, और इसका बच्चा चेक कर लेते हैं कितना बड़ा हुआ है। दोस्तों देखिए माशाल्लाह से इसका बच्चा भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ओ सागर दूसरा बेबी भी आ गया है। दूसरा भी आ गया? हाँ भाई दूसरा बेबी भी आ गया यार, यही पड़ा है, मैं इसको दे देता हूँ। हाँ चलो दे दो दे दो, इसका दूसरा बेबी भी आ गया यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, ये तो बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। हाँ तो सारा सारा धन जल्दी दे दो, और इसका पानी भी रख दो, ताकि ना ये जो ये बेबी वाले बच्चे अभी जो है ना मेल और फीमेल दोनों ने नए बेबी दिए हैं, तो इंशाल्लाह इस बार इसकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बच्चा भी बहुत ज़्यादा अच्छा कलर का निकलेगा। पहले जो बच्चा निकला था देखो काला काला, पता नहीं कैसा निकला है, पता नहीं किसके ऊपर गया है यार, देखो पता ही नहीं लग रहा कि ये मैं कौन सा कबूतर की नस्ल है। अभी ये वाला कबूतर ने दोबारा ब्रीडिंग की है, देखें अभी ये बैठी है सामने फीमेल, और इसने दूसरा बच्चा भी निकाल दिया है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये तो बड़ी दूसरी बहुत बड़ी। ओ भाई गेट, अरे मैं तो गेट बंद करना ही भूल गया। चलो जल्दी जल्दी से पानी लेके आओ, आयो 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 आयो। यार तुम प्रैंक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? नहीं नहीं कुछ भी नहीं कर रहा तुम्हें, अगर यकीन नहीं है ना तो तुम खुद ही देख लो। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है दोस्तों, ये सागर बोल रहा है मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इसका दूसरा बेबी बाहर आ गया, आपने देखा है ना। तो आप सच्ची सच्ची सागर को बता देना कमेंट में, और अभी सागर तो सागर चलो अभी देख लो, चलो जाओ अंदर देख लो, सागर को मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा, चलो चलो जाओ। हाँ यार दो बेबी आ गए, दो बेबी आ गए ना। हाँ चलो आ जाओ नीचे आ जाओ, चलो इन्हों को बंद कर दो जल्दी। दोस्तों हमारे नीचे वाले कबूतरों को भी दाना पानी दे देते हैं,
समझ आए लाइक।